नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सैनी और आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग्स। हिट एंड रन, ये बहुत लोगों के साथ में हुआ होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, पनिशमेंट से भी बहुत से लोग जुड़े होंगे। हर एक इंसान सल्लू भाई जैसा नहीं होता है और आपकी किस्मत सल्लू भाई जैसी है कि नहीं है, इस वीडियो से शायद बदल जाए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हिट एंड रन के अंदर, हिट एंड रन एक्चुअली है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे, क्या फोरेंसिक जांच होती है इसके अंदर, क्या क्या पनिशमेंट्स इन्वॉल्व है और कौन कौन से एक्ट्स इसमें लगे, इन सब चीजों को जानेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ में। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको कुछ ऐसे ही टॉपिक्स की मिलती रही है। और ये रहे इंस्टाग्राम आईडी, यहां पर आके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखिए, हिट एंड रन क्या है उसको एलैबोरेट करता हूँ। हिट एंड रन वो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपने किसी गाड़ी को किसी भी ऑब्जेक्ट से ठोका है और बिना किसी को दिखाए बिना वहाँ से निकल लिए, फुर हो गए आप, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी को बताया नहीं, हिट किया एंड वहाँ से भाग गए, यानी कि रन कर गए वहाँ से। ये हिट एंड रन है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंसान को मार रहे हो, ये हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हो, जैसे किसी खड़ी गाड़ी में आपने मार दिया या किसी खंभे में मार दिया, कहीं पर भी फुटपाथ पे गाड़ी चला दी, ये सारी चीज, भले ही वहां पर कोई इंसान सो रहा है कि नहीं सो रहा, दैट डजंट काउंट्स। बट हां, अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं, किसी को इंजरी हुई चाहे ना हुई हो और आपने कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और वहां से निकल गए हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के, उसको कहते हैं हिट एंड रन। देखिए, बॉडी टू बॉडी हिट एंड रन जब होता है तो उसकी फॉरेंसिक जांच होती है। जैसे आपने किसी गाड़ी को ठोक दिया तो उनके पेंट्स जो सिमेट्री है वो एक दूसरे में लगेगी और उसके बाद में दोनों की पेंट की फॉरेंसिक जांच होगी। अगर गिल्टी पहले जो ओनर है वो अगर हिट कर रहा है गाड़ी को, अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो ही विल हैव टू पे सम कंपनसेशन टू द पर्सन जिसकी गाड़ी उसने ठोकी है। अगर यही केस अगर किसी इंसान के साथ में होता है कि आप किसी इंसान को ठोक के गाड़ी को निकाल के ले जा रहे हो, तो उस केस में भी यही प्रॉब्लम होगी कि आप उसकी फॉरेंसिक जांच होगी कि उसका स्किन का कोई पार्ट या बाल का कोई पार्ट रह तो नहीं गया है। क्योंकि अगर आप किसी को हग भी कर रहे हैं ना, और अगर आप दोनों की फॉरेंसिक जांच हो रही है तो ये फॉरेंसिक जांच में रिजल्ट में आ जाता है कि यू हैड सम शेयरिंग, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ टच हुए हैं पार्ट्स, तो ये सारी चीजें फॉरेंसिक जांच में निकल जाती हैं। तो देखिए, इसके अंदर कौन कौन से एक्ट में ये आता है, पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो एक्ट देखते हैं कि आपके साथ में कौन कौन से लगते हैं हिट एंड रन में। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी एक्ट्स की, आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड एक्ट की। इसमें चार एक्ट्स यहां पर लग सकते हैं। सबसे मेजर एक्ट है एक्ट 279, फिर आता है 388, फिर आता है 303A, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे खतरनाक एक्ट आता है 302। इसके बाद कौन कौन से एक्ट्स आते हैं आईएमवी एक्ट्स। आईएमवी एक्ट्स इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट्स होते हैं और इनमें केवल दो ही एक्ट आता है, 334A और 334B। कुछ कुछ केसेस में 187 भी लग जाता है। सबसे पहले आईपीसी के एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या केसेस हो सकते हैं आपके साथ में, क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पीनल कोड एक्ट की, उसमें एक केस को रखते हैं। आपने रैश ड्राइविंग की, आपने प्रॉपर्टीज को कुछ नुकसान पहुंचाया, छोटे मोटे प्रॉपर्टीज को फुटपाथ पे लेके चले गए, केयरलेस ड्राइविंग करी, सेंसलेस ड्राइविंग करी, लिकर चला पी के अगर आप चला रहे हैं और रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है लोगों को और जान मान का नुकसान होने के चांसेस है, तो वो आता है एक्ट 279 के अंडर। और 279 के अंडर जितने उसमें कैजुअल्टीज इन्वॉल्व नहीं है, तो आपने किसी को कैजुअल्टी नहीं पहुंचाई या फिर किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, तो ये 279 के अंडर आएगा। लेकिन इनसिक्योर ड्राइविंग आपकी अगर है तो वो इस एक्ट के अंदर आएगी। तो 279 आपका इन्वॉल्व करता है ये वाला एक्ट, और इसमें 6 महीने की आपको जेल हो सकती है और या फिर ₹1,000 की पेनल्टी या दोनों। आपको बेल इस एक्ट में मिलती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं एक्ट 388 की। देखिए, 388 में वो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्वड है जैसे कि आपने फुटपाथ पे चला दिया, किसी को हार्म हो गई, इंजरी हो गई लोगों को, तो इंजरी वाला पार्ट 388 में काउंट होगा। या फिर किसी की लाइफ के साथ में आपने सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज किया, रैश ड्राइविंग की, किसी को लग गई चोट, वो सारी चीजें इसमें काउंट होंगी 388 में। तो 388 का जुर्माना है वो 2 साल की प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर
फाइन, दोनों भी हो सकते हैं, बेल आपको इस केस में भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे एक्ट की। अगर आपकी गाड़ी के थ्रू किसी की कैजुअल्टी हुई है, कोई मर गया है, इंजर्ड ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा की उसके चांसेस कम है बचने के, तो 304 ए में आपकी धारा लगेगी और इसकी 2 साल की पनिशमेंट मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकती है और फाइन तो आपको लगेगा ही लगेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बेल आपको इस केस में भी मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 302 की बात करते हैं। 302 में ये है कि आपको जानबूझकर व्हीकल से मारने की कोशिश की गई है। बहुत से हमने फिल्म्स देखी हैं जहां पर जो गवाह देने वाला होता है उसको ट्रक ने कुचल दिया, किसी व्हीकल ने कुचल दिया, उनके ऊपर 302 धारा लगती है, जिन्होंने जानबूझकर उनको मारा गया है, उनको मारने की कोशिश की है या वो मर गए हैं, तो उस पर 302 की धारा लगती है। इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कंपनसेशन भी आ सकता है, मर्डर का एक्ट इसमें लगता है। IMV एक्ट की बात करते हैं, यानी कि इन एक्ट की बात करते हैं, 334A और 334B। देखिए ये बहुत ही इनएक्टिव एक्ट्स हैं, इनमें ज़्यादा इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बट एटलीस्ट 6 से 2 साल तक की आपको उम्र लग सकती है अगर किसी इनमें से किसी एक के साथ में भी ये एक्ट लग गया है तो। बट ये बहुत ही इनएक्टिव है तो ज्यादा टाइम पर ये लगते नहीं है, बट स्टिल हाँ चांसेस हैं कि ये वाले एक्ट्स भी काउंट डाउन हो जाएं इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये तो हो गई मेरे कुछ थॉट्स, लेकिन अब इनको क्लैरिफाई करने के लिए हम चलते हैं पुलिस स्टेशन में, और गाजियाबाद के एक पुलिस स्टेशन में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, आगे की क्लिप देखिए। सो आज मैं एक स्टेशन में आया हूँ, गाजियाबाद की बहुत फेमस पुलिस स्टेशन है। हम लोग आज जुड़े हैं हिट एंड रन केसेस के बारे में जानने के लिए। देखिए जब हिट एंड रन केसेस की बात आती है तो हम लोग ऑब्वियसली एक बहुत लीनियंट होकर ड्राइविंग करते हैं, वो सारे केसेस यहाँ पे काउंट डाउन होते हैं, तो ऐसे केसेस के बारे में ही जानने के लिए मिस्टर राजेश सिंह मेरे साथ में हाजिर हैं, ये यहाँ पर इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अवगत हैं। सो सर बताइए कुछ हिट एंड रन के बारे में कुछ बता दीजिए। हिट एंड रन जो है एक्सीडेंटल रोड एक्सीडेंट के केस में यूज किया जाता है, जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो एक गाड़ी का पेंट जो है दूसरी गाड़ी से टच हो जाता है, जिससे ये साबित करने के लिए कि इसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, दोनों गाड़ियों के जो है जिससे वो टकराती हैं वो सैंपल ले लिए जाते हैं तथा उसको जो है FSL में जांच कराई जाती है कि इसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है या नहीं है, जिससे उसकी वास्तविकता का पता पड़ जाता है कि जिस गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ है। और सर इसमें इंडियन पेनल कोड भी एक्टिव रहता है और इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट्स भी दोनों एक्टिव रहते हैं, तो कौन कौन सी धाराएं काउंट होती हैं यहाँ पर अगर मैं इन सब की बात करें तो? देखिए कोई भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर या किसी लोक मार्ग पर कोई भी उतावलेपन से या किसी नेग्लिजेंसी से कोई भी अपना वाहन चलाता है तो वो इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 279 के अंतर्गत जो है वो दंडनीय है। यदि इसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो धारा 304A का अपराध बनता है, जिसमें जो है 2 साल की सज़ा प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के चोट लगी है 337 धारा लगाई जाती है, 337 यदि कोई सिंपल इंजरी है तो उसमें 337 धारा लगाई जाती है, इसमें भी जो है 6 माह की सज़ा, ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है। और धारा 338 IPC में इसमें ग्रीवियस इंजरी होती है, मतलब गंभीर चोट होती है, और इसके अंतर्गत तो यदि कोई गंभीर चोट आती है तो इसमें 2 वर्ष की सज़ा और फिर ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि किसी गाड़ी को कोई क्षति हुई है तो उसमें धारा 427 का लगाई जाती है, 427 में भी 2 वर्ष की सज़ा प्लस जुर्माना व दोनों से दंडित किया जाता है। चारों धाराएं तो होंगी, इसमें 303 धारा के बारे में भी शायद उल्लेख किया गया है, 304A के बारे में। ये कुछ धाराएं हैं जो अभी सर ने मेरे को बताई हैं, 279 और 304A, जिसमें चांसेस हैं कि अगर किसी का कैजुअल्टी होती है तो वो 304A में आती है। 334A और 334B ये इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट्स के अंतर्गत आती है, यानी कि इनके अंदर अगर धाराएं लग रही हैं तो बहुत छोटी सी, ज़्यादा आपको इसमें पनिशमेंट्स एज सच नहीं होती है, 3 महीने से 3 साल तक की पनिशमेंट्स यहाँ पे हो सकती है, और या फिर कंपनसेशन जो भी विक्टिम को आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपकी बैठती है वो यहाँ पर अवगत कराई जाती है। IPC और IMV एक्ट दोनों का ही यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मेलजोल है। सर एक चीज़ और, अगर डेडिकेटेड मर्डर है, मान लीजिए मैंने गाड़ी से ही जानबूझकर मर्डर करने की कोशिश की है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में जो है 302 का अपराध बनता है, यदि कोई जानबूझकर किसी अपने वाहन से
वो उसकी इंटेंशन होती है कि मुझे इस व्यक्ति को मारना है, उस इंटेंशन अगर उसकी साबित होती है तो वो हत्या की कैटेगरी में कोटी में वो आता है और हत्या में जो है उसको दंडित कराया जाता है। पनिशमेंट कितने साल तक की हो सकती है सर इसमें? उसमें 10 वर्ष आजीवन कारावास तक है। 10 वर्ष या आजीवन कारावास इसमें कोई? अच्छा, बेल का क्या सर? जितने भी एक्ट से लग रहे हैं सब में बेल मिल जाती है या फिर बेल का भी कुछ ऐसा है कि बेल नहीं मिल पाती किसी एक्ट में? धारा 302 में तो कोर्ट से ही बेल होती है, बाकी जो ये एक्सीडेंट के केसेस हैं अभी जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि जिसमें 7 साल से कम की सजाएं हैं उनको जो गिरफ्तार नहीं किया जाए उनको धारा 41 बन का नोटिस देकर वे 70A CRPC का नोटिस देकर के उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन उनको भी जो है न्यायालय में जो है जमानत करानी पड़ती है। तो सर उन केसेस में क्या होता है जब कोई कैंडिडेट या ड्राइवर जो है वो 18 वर्ष से कम का हो और उसके साथ में हिट एंड रन का केस हो जाए, वो गाड़ी से किसी को हिट करके भाग जाए, तो उस केस में क्या कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? नहीं, अगर यदि उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, 18 साल से कम है, तब भी जो है वो इसी धारा में जो है पनिश किया जाता है। और 304 IPC भी, क्योंकि अगर उसका लाइसेंस नहीं है, उसको वाहन नहीं चलाना चाहिए था जी, उसकी एज जो है लेस देन 18 ईयर्स है, तो उसको जो है वाहन नहीं चलाना चाहिए, ऐसे केसेस में धारा 304 का भी IPC में जो है उसको पनिश कराया जा सकता है। इन घटनाओं को रोकने के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा दर्शकों को कि आप किस तरीके से बचा सकते हैं इसको? इस तरह की हिट एंड रन की केस की घटनाओं को रोकने के लिए सड़क पर ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं, अपनी साइड में वाहन चलाएं, यदि गाड़ी आप ओवरटेक कर रहे हैं तो उसको देख करके ओवरटेक करें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। अगर ये सब हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो है हिट एंड रन की केस की जो है घटनाएं कम हो जाएंगी। सर हिट एंड रन की केस में अगर मैं अपने आप आके सेल्फ कन्फेस कर रहा हूँ कि मेरे से हिट एंड रन केस हुआ है, तो उसके केस में कुछ रिलैक्सेशन है पनिशमेंट में? नहीं, इस तरह का पनिशमेंट में कोई आपको छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि घटना आपके द्वारा कारित की गई है और आप उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि साहब मैंने ये घटना मेरे से हो गई और आपने आकर के सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने, तो पुलिस जो है उसी धाराओं में जो आपने अपराध किया उसमें चालान कर देगी। लेकिन कानून में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि आपने जो है आकर के सरेंडर कर दिया और हम आपको छूट मिल जाएगी, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। सो फाइनली आ गए हो आप वापस वीडियो देख के, अब आपको प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं हिट एंड रन अगर आपके साथ में हो भी गया है तो आपको कैसे उसको सॉल्व आउट करना है उसके बारे में बताता हूँ। ऑल्दो सर ने सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला डैश कैम लगवा लो यार, अगर आपकी गलती नहीं भी है और आपको पनिशमेंट मिल रही है उस चीज़ की तो दैट इज़ वेरी सैड। तो आप पेनल्टी क्यों पे कर रहे हो जिस चीज़ के लिए आपने गलती नहीं की, तो आपको उसकी पेनल्टी क्यों देनी? आई डोंट फाइंड एनी रीज़न। तो आप डैश कैम लगवाइए, बहुत सस्ते सस्ते डैश कैम आते हैं। आई हैव प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपने किसी गाड़ी को ठोक गया, किसी इंसान के ज्यादा लग गई है चोट और आपने गाड़ी को साइड में खड़ी करी और लोकल लाइट इकट्ठा हो गए हैं, मास पब्लिक हो गई है एंड वो मारने पे उतारू है, तो इट्स बेटर लीव दैट लोकेशन राइट दैट मोमेंट और पुलिस स्टेशन में जाके इसको अपनी जो आपसे हुआ है उसकी जानकारी सारी दीजिए। जमानत नहीं हो पा रही तो रिक्वेस्ट कीजिए वहाँ पर जाके, लेकिन पुलिस स्टेशन में रीच आउट करना ना भूलें। हिट एंड रन का केस आपके ऊपर, देर आर CCTV ऑल अराउंड द टाउन, तो ज़रूरी है कि आपको आप ट्रेस कर लिए जाओगे। इट्स बेटर आप अपने पास जाइए, अपनी डिफ़िकल्टीज़ मत बढ़ाइए, पनिशमेंट शायद स्ट्रिक्टर हो जाए अगर आप हिट एंड रन करके जा रहे हैं तो। अगर किसी की मिसहैपनिंग हो जाती है, आप अपने कार में उसको कैरी करके अगर हॉस्पिटल तक ले जाओगे तो दैट विल यू नो गुड गिव अ गुड विल टू योर पर्सनैलिटी, तो शायद चेंजेस आ सकें, कुछ सुधार हो सके चीज़ों में। तो बस यही आज हिट एंड रन केस के बारे में इतना ही। कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहता हूँ, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रैफिक के बनाए गए हैं उनको प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, गाड़ी को अच्छी तरीके से चलाएं, कोई भी रूल्स डिसफॉलो मत कीजिए। हिट एंड रन केसेस के ये सबसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं। इट्स बेटर नॉट टू
ड्रिंक एंड ड्राइव. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे. आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद. पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरे चैनल को. अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार. ड्राइव सेफ.